हेलो दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए हम करंट का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। इसमें 4 अप्रैल और 5 अप्रैल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन दिया है। कॉलेज और छात्रावासों के बंद होने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों के लिए MHRD AICTE COVID-19 छात्र हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे ने कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए समाधान खोजने के लिए हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन लॉन्च की है। भारतीय एनजीओ ARMAN ने सामाजिक उद्यमिता के लिए $1.5 मिलियन की इनामी राशि वाला स्कॉल पुरस्कार जीता। कोविड-19 वायरस मुख्य रूप से श्वसन बूंदों और निकट संपर्कों के माध्यम से प्रसारित होता है, हवा के माध्यम से नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी पुष्टि की है। किसके द्वारा ये प्रसारित होता है? श्वसन बूंदों और निकट संपर्क के माध्यम से, हवा के माध्यम से नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कोविड-19 पर प्रस्ताव को अंगीकृत किया। UNGA ने महामारी से लड़ने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। खेलकूद में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन अवधि की डेडलाइन 29 जून 2021 निर्धारित की है। अमेरिका के अलबामा राज्य के बर्मिंघम शहर में आयोजित किए जाने वाले 2021 वर्ल्ड गेम्स को अब 2022 तक स्थगित कर दिया गया है। जैसा कि टोक्यो में किया गया, उसको बढ़ाया गया, उसी को देखते हुए इसको भी बढ़ा दिया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IIT हैदराबाद द्वारा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप एरोबायोसिस इनोवेशन ने कम लागत वाले वेंटिलेटर जीवन लाइट का विकास किया। किसका? जीवन लाइट का। जीवन लाइट क्या है? एक वेंटिलेटर है जो किसके द्वारा बनाया गया? IIT हैदराबाद द्वारा। DRDO VRDE ने कोरोना वायरस मामलों से निपटने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर नामक फुल बॉडी कीटाणु शोधन कक्ष विकसित किया है। किसने किया है? DRDO ने। DRDO की एक और पहल, DRDO की RCI और TBRL ने कोविड-19 रोगियों को संभालने वाले स्वास्थ्य देखभाल पेशावरों के लिए फेस प्रोटेक्शन मास्क भी विकसित किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक को सरकार ने PM केयर्स फंड के लिए दान संग्रहण के लिए नामित किया है। इससे पहले कौन कर रहा था? सिर्फ SBI। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने डायग्नोस्टिक किट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। प्रसिद्ध इटालवी शू डिजाइनर सर्जियो रॉसी की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण से हो गई है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को 6.2 टन दवाएं उपलब्ध कराईं। गायक बिल विदर्स का अमेरिका में 81 साल की उम्र में निधन हुआ। 4 अप्रैल को खदान कार्य में जागरूकता व सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। सितंबर 2022 में होंगजो चीन में 19वें एशियाई खेलों के शुभंकरों का अनावरण किया गया। इन तीन रोबोट्स के नाम हैं कांगकोंग, लियान लियन और चेन चेन। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।